हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। दोस्तों फाइनली आरआरबी एलपी सीवीटी 2 रिवाइज रिजल्ट की यहां पर डेट आ गई है कि आपका रिजल्ट कब आएगा और आपका साइको टेस्ट अब यहां पर कब होने वाला है, वही जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जनसत्ता.com का अपडेट है, काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट है। इसमें कहा गया है कि आरआरबी एलपी टेक्नीशियन सीवीटी 2 संशोधित परिणाम जारी करने की है तारीख। तो अब मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ क्या तारीख है। इसमें दोस्तों कहा गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस महीने में दूसरे चरण की संशोधित परीक्षा के परिणाम घोषित करेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारी ने कहा है कि सीवीटी 2 संशोधित परीक्षा के परिणाम लगभग तैयार हो गए हैं। बोर्ड इस महीने के अंत तक 30 अप्रैल 2019 तक परिणामों की घोषणा करेगी। परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार एक बार जारी होने के बाद सभी क्षेत्रीय आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। मतलब दोस्तों आपका जो रिजल्ट 5 अप्रैल को आया था, स्कोर कार्ड वगैरह आया था दोस्तों, उसको आरआरबी द्वारा पोस्टपोन्ड और कैंसिल कर दिया गया था। उसका रीजन बताया गया था कि कुछ कैंडिडेटों द्वारा आपत्ति रिजल्ट के ऊपर की गई थी। उसके बाद दोस्तों आपके जो साइको टेस्ट यहाँ पर 16 अप्रैल से होना था, उनको पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। अब दोस्तों आपका जो नया रिजल्ट है और स्कोर कार्ड आप दोस्तों 30 तारीख से अपनी जो आरआरबी की ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर चेक कर पाएंगे। अब दोस्तों इसमें आगे कहा गया है कि जो भी उम्मीदवार दूसरी सीबीटी परीक्षा को पास करेंगे वे सीबीटी थ्री के लिए उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। परीक्षा पहले 16 अप्रैल को आयोजित की जाने वाली थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। इस भर्ती अभियान द्वारा कुल 64,371 पद भरे जाना है। परीक्षा 21, 22, 23 जनवरी और 9 फरवरी को 2019 को आयोजित की गई थी। मतलब दोस्तों आपका जो एग्जाम था सीबीटी 2 का, उसको 21, 22 और 8 फरवरी को दोस्तों यहाँ पर आरआरबी द्वारा आयोजित किया गया था। दोस्तों आपके जो साइको टेस्ट यहाँ पर पहले 16 अप्रैल से होना था, अब उसकी नई डेट क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपका पहले आप अनुमान लगाइए, 5 अप्रैल को आपका रिजल्ट आया था, उसके लगभग 11 दिन बाद यहाँ पर आपके साइको टेस्ट स्टार्ट हो रहे थे। तो उसी तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर रिजल्ट अब 30 अप्रैल को आएगा। तो लगभग दोस्तों आप मान लीजिए कि आपका 15 मई से यहाँ पर साइको टेस्ट यहाँ पर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों कन्फर्मली कह रहा हूँ, 100% में शुरू होंगी, 15 मई से आपके यहाँ पर साइको टेस्ट यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, अगर 30 अप्रैल को यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।